टेकमर्ज में मैं स्वप्निल बाबा का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वापस आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है Xiaomi Redmi Note 8 Pro वर्सेस Oppo Realme X2 वर्सेस Samsung Galaxy A70s। तो ये तीनों फोन्स अभी मिड रेंज सेक्शन के प्रीमियम फोन्स है। अभी इन तीनों फोन्स की प्राइस वैरी होती है 15,000 to 25,000। तो ये अभी देखने वाली बात है कि इन तीनों में फोन्स में से सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा फोन कौन सा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं इसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की। तो इन तीनों फोन्स में सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया डिस्प्ले किसका है, अगर हम लोगों ने कंपेयर किया तो हम लोग को पता चलता है कि Realme X2 और Samsung Galaxy A70s का डिस्प्ले सेम ही है, मतलब फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले हम लोग को देखने को मिलता है। एंड Realme X2 का जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो 6.4 इंच रहेगा, एंड Samsung Galaxy A70s का डिस्प्ले साइज रहेगा वो 6.7 इंच रहेगा। लेकिन हम लोग को इन दोनों फोन्स में फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो उसमें हम लोग को 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो गया Xiaomi Redmi Note 8 Pro के लिए। और अगर हम लोग बात करें इसके प्रोसेसर की, मतलब चिपसेट की, तो Redmi Note 8 Pro में हम लोग को हीलियो का मीडिया टेक G90T का प्रोसेसर मिलता है, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये गेमिंग के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोसेसर है। इसके जो AI फीचर्स है और इसमें हम लोग को जो GPU मिलता है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, वो एक फ्लैगशिप लेवल का मिलता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया Redmi Note 8 Pro को। अगर हम लोग बात करें Oppo और Realme X2 को, तो इसमें हम लोग को Snapdragon 730G का प्रोसेसर मिलता है, ये भी एक गेमिंग का प्रोसेसर है Snapdragon की तरफ से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर हम बात करें Samsung Galaxy A70s की, तो Snapdragon 675 2GHz का प्रोसेसर मिलता है। इन तीनों फोन्स का सबसे अच्छा जो प्रोसेसर है वो Oppo Realme X2 के पास है, जो है Snapdragon 730G। बिकॉज ये अच्छा क्योंकि ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, एंड जो हीलियो G90T है वो एक 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। तो इनका जो बैटरी कंजम्पशन रहेगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा। अगर हम लोग इन दो फोन्स की जो बैटरी टेस्ट की, तो इसकी इसमें हम लोग को 10 to 15 मिनट्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इसके मेमोरी की, तो ये तीनों फोन 6GB ऑफ रैम प्लस 64GB, 6GB ऑफ रैम प्लस 128GB एंड 8GB ऑफ रैम प्लस 128GB के साथ आते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके MIUI की, मतलब सॉफ्टवेयर की, Redmi Note 8 Pro में हम लोग को MIUI 10 का सपोर्ट मिलता है, देन विथ Android Pie, तीनों फोन में हम लोग को Android Pie मिलेगा, एंड देन हम लोग को Realme X2 में कलर OS मिलता है, एंड देन हम लोग को Samsung के A70s में हम लोग को One UI मिलता है, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है Samsung के फोन्स में। अगर हम लोग बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें हम लोग को वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5 GPS एंड वैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, डुअल सिम 3.5mm का ऑडियो जैक, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग बात करें इसके कैमरा की, जो एक मेन फीचर है किसी भी मोबाइल का, तो हम लोग को लीक से पता चल रहा है कि जो Redmi Note 8 Pro और Realme X2 वो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आते हैं, एंड Samsung Galaxy A70s है वो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। तीनों फोन्स में हम लोग को 64MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। अगर हम लोग बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो इसमें हम लोग को 64+8+2+2MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, विथ 20MP एज अ फ्रंट कैमरा विथ अपर्चर 2.0। अगर हम लोग बात करें Realme X2 की, तो इसमें हम लोग को 64+8+2MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, विथ 32MP एज अ फ्रंट कैमरा विथ अपर्चर 2.0 का। एंड अगर हम लोग बात करें Samsung Galaxy A70s की, तो इसमें हमको 64+8+5MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, विथ 32MP एज अ फ्रंट फेसिंग कैमरा विथ अपर्चर 2.0। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें इसके बैटरी की, तो हम लोग को थोड़ा सा बैटरी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है Redmi Note 8 Pro में, बिकॉज ये एक गेमिंग फोन है, तो हम लोग को इसमें 4500mAh की फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी देखने को मिलती है, विद 18W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स। अगर हम लोग बात करें Oppo Reno X2 की, तो इसमें 4000mAh की फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी देखने को मिलती है, विद 30W का चार्जर इन बॉक्स। और जो Realme X2 है, इसमें हम लोग को वो 4.0 का फास्ट चार्जिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें Samsung Galaxy A70s की, तो इसमें भी हम लोग को 4500mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी देखने को मिलती है, विद 25W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स। अगर हम लोग बात करें डिजाइन एस्पेक्ट्स से, तो Realme X2 और Redmi Note 8 Pro की बैक डिजाइन है वो बहुत ही अच्छी है, कमाल की। मेरे को तो पर्सनली दोनों फोन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन हम लोग को प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे को तो Realme X2 और Redmi Note 8 Pro बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा।
अगर हम लोग बात करें सैमसंग A70s की तो उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है अगर हम लोग कंपेयर करें इन दोनों फोन्स के। तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको ट्रूली गेमिंग फोन चाहिए और आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा फोन चाहिए यूज करने के लिए तो आप रियलमी X2 की तरफ जाइए। अगर आपको Xiaomi के फोन्स पसंद है तो आप Redmi Note 8 Pro को भी परचेज कर सकते हैं। इन दोनों फोन्स में थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स है तो इन दोनों फोन्स में आपको जो फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आप उसको परचेज कीजिए। मेरे को लीक से पता चला कि Redmi Note 8 Pro उसकी लॉन्च डेट अराउंड 16 अक्टूबर है और Realme X2 वो अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। वो अभी चाइना में लॉन्च हो चुका है, अभी इंडिया में लॉन्च होने की बारी उसकी है और Samsung Galaxy A70s अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप इन तीनों फोन्स में से कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेरीज और सजेशन है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।